हेलो, कहाँ पहुँचे तुम लोग? तीन लोग ऑन द वे टू हॉस्पिटल हैं, दो शमशान की ओर और एक जो बचा है वो तुझे इन्फॉर्मेशन देने आ रहा है। रागिनी यूफ, कई लोग इंसान को देखकर पहचानते हैं, लेकिन तूने तो मेरी आवाज से मुझे पहचान लिया, मिस्टर जी के। रागिनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आई विल किल यू। तो कैसा लगा? मुझे पता था तू एक बाप की औलाद नहीं है। ओहो, लेकिन इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है अपने आदमियों के ऊपर। तू धोखेबाज होगा ये मुझे पता था, सिर्फ भैया के कहने पर इस डील के लिए हाँ कहा था। सर, भैया के कहने पे हाँ किया था, भैया के कहने पे हाँ किया, भैया के कहने पे हाँ किया। ए, क्या देख रहे हो? मार डालो इन्हें। भैया, 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 भैया!
आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो खुश रहो। सुरेशः शरणम् शर्व विश्वरेताः प्रजा भवः असवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्धिः सर्वादिः अच्युतः वृषाकपिः। बाहर जाकर भगवान की प्रदीक्षिणा कीजिए और फिर घर जाइए। ठीक है स्वामी जी। बाप को धक्का किसने दिया? मैंने। क्या कर लेगी? जाएगा बॉस। मैं कैप्टन हूँ तो ओपनिंग भी मैं ही करूँगा। सब आ जाओ। अरे वाह, ऐसी लड़की पहली बार देखी है यार। Ah!
आज के बाद अगर किसी लड़की को छेड़ा या रास्ते में किसी लड़की को परेशान किया ना, तो तू लड़का कहलाने के लायक भी नहीं रहेगा। मारने के बाद मैंने तुझे छत से नीचे फेंक दिया था, फिर भी तू जिंदा है, आखिर तू बच कैसे गई जाने मन? अपने भाई का एहसान और मेरा फर्ज दोनों चुकाना अभी बाकी है ना। खड़े खड़े देख क्या रहा है, जाके मारना उसे।